आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम तीन पेशेंट का रिजल्ट शो करने वाले हैं एंड कंपैरिजन करने वाले हैं तीनों पेशेंट के तीन महीने के रिजल्ट का। Hey guys, welcome back to the channel। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद तीन महीने में आप लोगों का कैसा रिजल्ट आने वाला है। क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सिर्फ तीन महीने में ही ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आ जाता है या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के तीन महीने में रिजल्ट आने वाली जो बात है वो झूठी है। बेसिकली आज की वीडियो में हम तीन पेशेंट का रिजल्ट शो करने वाले हैं एंड कंपैरिजन करने वाले हैं तीनों पेशेंट के तीन महीने के रिजल्ट का, आपको दिखाने वाले हैं ताकि अगर आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ तो आपको पता हो कि तीन महीने में आपका कैसा रिजल्ट आने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका रिजल्ट जो होता है वो इंस्टेंट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया और आपका कल रिजल्ट आ गया। इसका जो रिजल्ट है वो स्टेप बाय स्टेप आता है और इसी वजह से इसका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होता है, राइट। जैसे कि सबसे पहले आपकी सर्जरी होती है जो कि एक दिन चलती है, मतलब 8 से 10 घंटे आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी चलती है। उसके बाद स्वेलिंग आती है फेस में, आप सभी को पता है, मतलब 80-90% लोगों को छोटी सी स्वेलिंग आती है फेस में और 2 से 3 दिन ये स्वेलिंग भी रहती है। देन ब्लड क्लॉट्स जो कि 5 से 6 दिन में आपके अच्छे से जम जाते हैं और उन्हीं ब्लड क्लॉट्स को 10 से 15 दिन में निकालना पड़ता है बाय डूइंग हेड वॉश, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं। और 15 दिन तक ये प्रोसेस चलता है, राइट, फ्रॉम द डे ऑफ द सर्जरी, उसके बाद स्वेलिंग, उसके बाद आपके ब्लड क्लॉट्स, उसके बाद हेड वॉश। तो 15 दिन तक यही सब चलता है और 15 दिन में आपके ब्लड क्लॉट्स पूरे निकल जाने चाहिए। फिर आती है बात मेडिसिन की, जैसे कि मिनोक्सिडिल एंड पीआरपी, राइट, आपके कुछ मेडिकेशंस उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। 6 से 8 महीने आपके मेडिकेशंस चलते और 15 दिन बाद ट्रांसप्लांटेशन के मिनोक्सिडिल स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर आता है शेडिंग फेज, जो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देता है, राइट। आपके जितने ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट लगाए गए थे 1 से 1.5 महीने के बाद सारे के सारे झड़ जाते हैं और पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। जितना कॉन्फिडेंस आपने ये ट्रांसप्लांटेशन डे से लेकर 15 से 20 दिन में गेन किया था वो धीरे धीरे लूज होने लगता है क्योंकि शेडिंग फेज आता है। अब जिन लोगों को पता है शेडिंग फेज के बारे में, उन लोगों को तो पहले से ही उनके माइंड सेट रहता है कि हाँ ट्रांसप्लांटेशन के बाद शेडिंग फेज आएगा, मेरे बाल जो लगाए जाएंगे वो झड़ जाएंगे एंड देन वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन को इस चीज की नॉलेज नहीं होती वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड शेडिंग फेज भी ऑलमोस्ट 3 महीने तक चलता है। अब जो ग्राफ्स आपके लगाए जाते हैं जो शेडिंग फेज में झड़ गए थे वो ग्रोना तभी स्टार्ट होते हैं जब आपका शेडिंग फेज कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि शेडिंग फेज 1 से 2 महीने में खत्म हो जाता है, मैंने ऑलरेडी केस स्टडी भी शो करी हमारे चैनल में जिसमें 1 से 2 महीने में शेडिंग फेज पूरी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत कम बोलूंगा, जहां पे 3 महीने तक सिर्फ शेडिंग ही चलता है, मतलब 3 महीना लग जाता है पूरे शेडिंग फेज को कंप्लीट होने में। अब देखिए जो ग्रोथ होती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो आपके शेडिंग फेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, राइट। अब जैसे कि बात करें पेशेंट नंबर 1 के बारे में जिनका आप रिजल्ट देखने वाले हो आज की वीडियो में 3 महीने का, जो पेशेंट नंबर 1 है आप इनका केस देखिए, इनका फ्रंटल हेयर लॉस हुआ था, आप देख सकते हैं वीडियो में, बेसिकली फ्रंटल हेयर लाइन इनकी रिसीट हो चुकी थी, इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ FUE टेक्निक से, दिल्ली में इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और आप इनके केस में देखिए ऑलमोस्ट 80% इनकी शेडिंग आ चुकी थी, राइट। इनका फ्रंट एरिया में जो ग्राफ लगाए गए थे आफ्टर सर्जरी की, आप जो फोटोज देखिए, इनके फ्रंट में जितने ग्राफ लगाए गए थे वो ट्रांसप्लांटेशन के 1 से 1.5-2 महीने में पूरे के पूरे झड़ गए थे। आप देखिए ऑलमोस्ट 80% शेडिंग हो चुकी है, जितने ग्राफ लगाए सारे झड़ गए। अब अगर हम इन्हीं पेशेंट की 3 से 3.5 महीने की कंडीशन देखें तो आप देखिए 3 से 3.5 महीने में ऑलमोस्ट इनके 70-80% जो बाल झड़े थे वो आने लगे हैं, आप ग्रोथ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो ये एक एग्जांपल है कि अगर आपके जितनी जल्दी आपका शेडिंग फेस खत्म होगा उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ आएगी। ये डिपेंड नहीं करता कितनी परसेंट आपका शेडिंग फेस आया है, कुछ लोगों का 10% शेडिंग फेस आता है, कुछ लोगों का 50% आता है, कुछ लोगों का 100% शेडिंग आता है। आप आगे जाके वीडियो में देखोगे अलग अलग पेशेंट्स का जिनका अलग अलग शेडिंग फेस आया है। इन पेशेंट का 80% शेडिंग फेस आया था लेकिन इनका शेडिंग जल्दी कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से आप देखिए 3 से 3.5 महीने में जो इनकी ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है। मतलब आप देख सकते हैं बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें इतने कम टाइम में इतनी अच्छी ग्रोथ आ जाती है। आप देखिए हेयर लाइन काफी नेचुरल लग रही है, अभी भी इनकी ग्रोथ आनी बाकी है, सिर्फ 3 महीने में अगर ऐसा रिजल्ट है तो आप देख सकते हैं आने वाले 6 महीने में कैसा रिजल्ट होगा। दिल्ली से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ, 3.5 महीने में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब
अब बात करें पेशेंट नंबर टू के बारे में, जो कि हरिद्वार से थे। इनका भी देखिए फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका था, फ्रंट एरिया से पीछे मिड स्कैल्प तक इनका पूरा हेयर लॉस हो चुका था। बेसिकली पेशेंट यंग थे और ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे जो कि नेचुरल हो। आप इनकी सर्जरी देखिए, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म हुई, फ्रंट एयरलाइन बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई, अच्छी खासी डेंसिटी भी दी गई है इनको। अब अगर हम बात करें इन पेशेंट के एक से डेढ़ महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो देखिए 60% शेडिंग हो चुका है इनका, मतलब जो ग्राफ्ट लगाए गए थे 60% ग्राफ्ट झड़ चुके हैं। कुछ ही बाल आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रंट में, जो आपको मिड स्कैल्प और फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ बाल हैं जो नहीं झड़े शेडिंग फेज में, एंड 60% बाल इनके झड़ चुके हैं जो शेडिंग फेज में, राइट। अब इन्हीं पेशेंट की अगर हम 3 महीने का रिजल्ट देखें, तो आप देख सकते हैं इनकी 3 महीने में ग्रोथ जो है वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट पर्सन थोड़ी अलग है, राइट। इनका शेडिंग फेज अलग आया था, इनके शेडिंग फेज में 60% हेयर फॉल हुआ था, जिस वजह से इनकी ग्रोथ आप देखिए उन पेशेंट से डिफरेंट है। ऑल्दो इनका भी 6 महीने में बहुत वंडरफुल रिजल्ट आया, बहुत अमेजिंग डेंसिटी आई, बहुत नेचुरल हेयरलाइन लगी, लेकिन 3 महीने का रिजल्ट आप इन पेशेंट का देखिए एज कम्पेयर टू फर्स्ट पेशेंट थोड़ा अलग है। अब अगर बात करें तीसरे केस के बारे में, जो कि मेरा केस है, आप देखिए मेरे ट्रांसप्लांटेशन को लगभग 5 साल हो चुके हैं, मेरे लगभग 3000 ग्राफ्ट लगे थे फ्रंटल हेयरलाइन एंड टेम्पल्स में। बहुत अच्छी तरीके से मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, 2 दिन मेरा ट्रांसप्लांटेशन चला था, उस समय 3500 से ज्यादा ग्राफ्ट्स को 2 दिन लग जाते थे, 4-5 साल पहले की बात करूं, आज की डेट में 1 दिन में 4 से 4500 ग्राफ्ट्स इजीली लग जाते हैं, लेकिन उस समय 2 दिन लगते थे मिनिमम 2500 से ज्यादा ग्राफ्ट्स को लगने में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा शेडिंग फेज भी काफी ज्यादा आया था, राइट। आप देख सकते हैं मेरे 1 महीने में ही मेरे बहुत ज्यादा शेडिंग हो चुकी थी 1 महीने में, और मेरा 1 महीने में शेडिंग फेज कंप्लीट भी हो गया था। मैं ऑलमोस्ट अगर आपको बताऊं तो मेरे 1 से 1.5 महीने में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से 3 महीने में अगर आप मेरा रिजल्ट देखें तो आप स्क्रीन में देख सकते हो 3 महीने में मेरी बहुत वंडरफुल ग्रोथ थी। अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट पेशेंट से अपने आप की ग्रोथ, तो मेरी ग्रोथ हो सकता है उनसे कम थी, लेकिन मेरे शेडिंग फेज के हिसाब से मेरी ग्रोथ काफी अच्छी थी। 3 महीने में आप मेरी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेरी ग्रोथ हुई, और 4 से 4.5 महीने में मेरा काफी अच्छा रिजल्ट आ चुका था। सो गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आपका जो रिजल्ट होता है वो आपके शेडिंग फेज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका शेडिंग फेज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अगर आपका शेडिंग फेज देर तक चलता है, आपका 2 से 3 महीने लग जाते हैं शेडिंग फेज में, तो आप अपनी ग्रोथ को 4 से 5 महीने में एक्सपेक्ट करिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर ज्यादा परसेंटेज में शेडिंग हो जाएगी तो आपका रिजल्ट लेट आएगा या फिर आपका रिजल्ट ना आए, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी शेडिंग 100% भी हो जाए, लेकिन अगर 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो रिजल्ट भी आपका उसके बाद आना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना जल्दी शेडिंग कंप्लीट होगी उतना जल्दी आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। रिजल्ट 100% केसेस में आता है, ऐसा नहीं है कि आपकी शेडिंग अगर लेट चल रही तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका फिर भी आएगा, बस थोड़ा लेट आएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।